एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जैसे कि मैंने पहले वाला वीडियो में बोला था कि मैं अभी गांव में हूँ, तो अभी तो मैं गांव में हूँ। कल मैं छत के ऊपर, मतलब बाहर का व्यू दिखाई थी। ये जो है मेरा रूम है, यहाँ पे मैं बेड के ऊपर बैठ के बात कर रही हूँ। और मेरा रूम का हाल बहुत, मतलब ख़राब होके पड़ा हुआ है, क्योंकि आने के बाद यहाँ पे मैं कुछ सजा ही नहीं हूँ। एक्चुअली टाइम ही नहीं मिला मुझे, तो सोच रही हूँ कि कल थोड़ा टाइम मिलेगा तो उस टाइम मैं इसको सजा लूँगी सारा कुछ। तो ये जो है, ये मेरा बेड है, बेड के ऊपर हम दोनों बैठे हुए हैं। ये जो है, ये मेरी बेटी सी है। हाय बोलो। हाय हाय, पूछो हाउ आर यू, पूछो, सबको पूछो हाउ आर यू, सबको पूछो। तुमको नहीं, तुम बोलो, तुम बोलो हाउ आर यू। चलिए, वो सोच रही है कि उसको पूछ रही हूँ मैं। ठीक है, तो मैं जो कुछ रेसिपी आप लोग के लिए लाई हूँ, जो कि यहाँ का गांव के लिए, मतलब गांव में ही मिलता है, और मेरे गांव में ही मिलता है, तो मुझे भी ये चीज़ बहुत पसंद है। हालांकि ये सबको पसंद नहीं आता है, कड़वा चीज़ सबको पसंद नहीं आता है, पर मुझे करेला वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए करेला या इस टाइप कड़वा चीज़ मुझे बहुत पसंद है। तो मैं यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ बनाने वाली हूँ आज। और आगे बढ़ने से पहले सबको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एंड सब्सक्राइब करने के बाद उसके साइड में जो बेल आइकन है, उसको ज़रूर दबाएं। तो क्योंकि वो जब नया नया वीडियो अपलोड करते रहूँगी, तब आपके फ़ोन में बजेगी घंटी। और चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाली वीडियो, मतलब नई रेसिपी के साथ। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ये जो साग दिखा रही हूँ, इसको बोलते हैं पिता गहमा। ये सिर्फ ओडिशा में मिलता है, पता नहीं बाहर भी मिल रहा होगा, पर मैं बैंगलोर में तो इसको कभी नहीं देखी हूँ। तो इसको मैं ग्राइंड करूँगी, थोड़ा सा जीरा और 4 से 5 मैंने यहाँ पे लाल मिर्च ली हूँ, ये बहुत ज़्यादा तीखा वाला नहीं है, तो इसको मैं ग्राइंड करूँगी अभी। तो इसको ग्राइंड होने के बाद ये थोड़ा ऐसा दिख रहा है, और उसके साथ मैं थोड़ा सा सॉल्ट, और इसके साथ थोड़ा ज़्यादा लगता है इसीलिए, क्योंकि एक कड़वा चीज़ होता है। और थोड़ा सा ये जो है चावल का आटा ली हूँ, और एक प्याज को मैंने यहाँ पे चॉप करके रखी हूँ, रफली चॉप्ड, और एक आलू को भी, एक छोटा सा आलू ली हूँ, क्योंकि मेरा ये जो साग का क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा नहीं था, तो उसके हिसाब से मैं आलू को ऐसे कट करके रखी हूँ। तो फिर इसको मिक्स कर दे रही हूँ। इसको अच्छा से मिक्स करने के बाद इसको कढ़ाई गरम करके रखी हूँ, जो कि कढ़ाई में तेल दी हूँ, तो गरम होने के बाद तेल डाल दी हूँ। तेल को थोड़ा सा ग्रीस करने के लिए चारों तरफ ऐसे कर दी हूँ, और एक मतलब 3 से 4 एक साथ में डालूँगी। इसको बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम में नहीं पकाना है, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं करना है, लो मीडियम में रख के इसको कुक करना है, क्योंकि ये जो है इसको आलू भी मिला हुआ है, प्याज कहीं पे कच्चा रह जाएगा तो भी चलेगा, पर आलू तो कच्चा उतना नहीं चलेगा। तो इसको ऐसे एक तरफ होने के बाद 3-4 मिनट के बाद इसको ऐसे पलटाएंगे। तो ये देखिए, इसका कलर, दूसरा साइड भी ऐसे कलर आना चाहिए। ये जो फर्स्ट 2 जो मैंने ऐसे पलटा दी थी, वैसे कलर दोनों, मतलब दोनों साइड में आना चाहिए, क्योंकि ये पहले भी ऐसे, मतलब इसका कलर कुछ ग्रीन ही रहेगा, मतलब कलर चेंज होने वाला नहीं है, मगर थोड़ा सा डार्क तो होगा ही। ये देखिए, मैं निकाल दी, ये भी हो गया है, तो इसको भी मैं अभी निकाल दे रही हूँ। ये दोनों जो है, ये नहीं हुआ है, इसको और थोड़ा पकना है, तो इसीलिए मैं इसको नहीं निकाल रही हूँ, और बाकी जो है, बाकी का मैं ऐसे ही बना दूँगी। तो बनाने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ये देखिए, ये खाने के लिए रेडी हो गया है।
मैं तो पहले भी पास्ता का रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों से, पर ये जो है चीज़ वाली पास्ता है, तो पास्ता को मैंने पहले बॉईल कर दी हूँ। और ये जो पत्ता को भी गाजर और टमाटर डाल के, प्याज डाल के मैं ऐसे बना रही हूँ, उसमें मैं पास्ता मिला दी। और पास्ता मिलाने के बाद थोड़ा सा सेपरेट कर रही थी उसको, तो पास्ता मिलाने के बाद मैं तो पहले भी जैसे बना रही हूँ, इसका प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम ही है, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा शेयर नहीं कर रही हूँ। तो पास्ता मसाला अभी ऐड कर दे रही हूँ। पास्ता मसाला ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्सअप कर दूँगी। यहाँ पे एक पैकेट पूरा यूज़ हो जाएगा। और ये जो है ओरिगानो मैं डाल रही हूँ, तो ओरिगानो इसका जो टेस्ट है पिज़्ज़ा टाइप का टेस्ट आता है। ओरिगानो नहीं तो आपके पास अगर मिक्स्ड हर्ब है तो उसको डाल सकते हैं। मेरे पास मिक्स्ड हर्ब नहीं था तो मैंने इसीलिए ओरिगानो ऐड की। तो ओरिगानो ऐड करने के बाद इसको मैं अच्छा से मिक्स कर दे रही हूँ। अच्छा, मतलब इसको एकदम हाई फ्लेम में अभी पका रही हूँ, क्योंकि ये जो है अभी ज़्यादा, मतलब पत्ता को भी पक चुका है और पास्ता को भी ज़्यादा पकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो है पास्ता अगर ज़्यादा पक जाए तो अच्छा नहीं रहेगा। और मैं इसको बटर में फ्राई कर रही हूँ, और उसके बाद उसको निकाल के उसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ और ये जो सिजवानी सॉस है, सिजवानी चटनी, इसको मैं गार्निश कर रही हूँ। तो इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा था। तो अभी मैं नाइट का जो डिनर बनाने जा रही हूँ, डिनर के लिए मैं पराठा और रोटी बना दी हूँ, और दिन का सब्जी थोड़ा सा बचा हुआ था तो मेरे दादी माँ सास जो है वो खा लेंगे, वो उनके लिए जो सब्जी था वही। और ये सारे लोग, मतलब मेरे ससुर जी, मेरे हस्बैंड और मेरे देवर जी के लिए मैं बना रही हूँ भुंजिया। ये आलू और परवल और कुंदरू का भुंजिया भी बना रही हूँ। तो तेल में थोड़ा सा जीरा ऐड कर दी, उसके बाद ये प्याज को, एक प्याज मैंने लिया है यहाँ पे, और पहले मतलब एक एक करके पहले परवल डाली, फिर कुंदरू, फिर लास्ट में मैं आलू डाल रही हूँ। इसको थोड़ा सा मिक्स करके फिर मैं हल्दी और साल्ट वगैरह ऐड करूँगी। तो यहाँ पे हल्दी भी ऐड कर दे रही हूँ और साल्ट भी। तो यहाँ पे ये सब इसको एक अच्छा मिक्स देके फिर मैं इसको ढक दूँगी अभी। और ये लोग पखाल खाएंगे। पखाल जो है उड़ीसा का एक ऑथेंटिक डिश है, और मैं इसका रेसिपी पहले भी बोल चुकी हूँ। और यहाँ पे मैं ये चटनी बना लूँगी मूँगफली का, मूँगफली, जीरा और मिर्ची, और थोड़ा सा 4-5 कलियाँ लहसुन भी ऐड कर रही हूँ उसमें। तो उसको मैं सिलवट्टी में बट ली हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे मैं भुंजिया का कंडीशन ऐसे चेक कर रही हूँ। ये देखिए कितना अच्छा भुंजिया बन गया है, इसका कलर जैसा दिख रहा है और खाने में उतना भी टेस्टी भी लग रहा था। इसमें मैंने हल्का सा जीरा और जीरा पाउडर और ये जो है लाल मिर्च पाउडर, इसको ऐड करके एक अच्छा मिक्स दे दूँगी इसको। और अभी मेरा भुंजिया बन के रेडी हो जाएगा। तो मैं बैंगन की पकौड़ी भी बनाई थी, वो भी था। और साइड, मतलब पड़ोसन में दिए थे ये जो बनाना फ्लावर जो होता है उसका सब्जी, मतलब बड़ा दिए थे। ये जो सब्जी मैं दिखा रही हूँ मेरी दादी का सास के लिए है, फल के लिए थाली बन के रेडी हो गया है। मुझे जरूर बताइएगा कैसी लगा ये रेसिपी, कमेंट करके जरूर बताइएगा, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा एक बार। तो बहुत ही सबको, एक तो करवा जी जो लोग को पसंद है वो लोग के लिए स्पेशली बोल रही हूँ, क्योंकि जो लोग को पसंद नहीं है तो वो लोग को नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि वो लोग खाते तो नहीं है कड़वा चीज़। तो मुझे तो अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं ये चीज़ शेयर कर दी। तो फिर मैं फिर मिलूँगी आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।